उत्तराखंड बार काउंसिल की पूर्व चेयरपर्सन रजिया बेग बनानकमता विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी सुनीता राणा का खटीमा इस्लाम नगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। आम आदमी पार्टी के नगर उपाध्यक्ष गुलफाम आरती के आवास में आयोजित कार्यक्रम में गुलफाम आरती ने रजिया बेग व सुनीता राणा को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया व इस कार्यक्रम में उपस्थित आपद अधिकारियों ने दोनों को फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए आप नेत्री रजिया बेग ने कहा कि वो खटीमा वासियों के स्वागत से अभिभूत हैं। उन्होंने भाजपा व कांग्रेस दोनों पर वार करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। आज तक जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता था, जिस वजह से जनता की मजबूरी होती थी कि वे इन दोनों में से एक को चुने, लेकिन इस बार जनता के सामने आम आदमी पार्टी के रूप में मजबूत विकल्प है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता दिल्ली मॉडल से प्रभावित है और वो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। उनके अपने खटीमा में आई हूँ और यहाँ से मेरा पुराना नाता रहा है खटीमा से। मैं कुमाऊँ मंडल में अक्सर घूमती रही हूँ और जितना लगाव मेरा खटीमा से है, तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये मेरा पहला ट्रिप है और मैं आम आदमी के जितने हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, प्रभारी हमारे जोशी जी, मैडम राणा जी हैं, रूबी और गुलफाम हैं, जावेद भाई, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। अच्छा इस बात का लगा कि आज जो बदलाव की नीति है, आज जो बदलाव का दौर है, कांग्रेस और भाजपा से जिस तरह से लोग टूट चुके हैं मैं देख रही हूँ, और ये देखने को मिला भी है कि खटीमा के अंदर लोगों के अंदर एक जबरदस्त उल्लास है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। और मैं देख रही कि कई लोग हमारे जो कांग्रेस में थे, कोई भाजपा में थे, कोई इधर उधर थे, आप लोग हमारे आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए तैयारी नहीं जुड़ चुके हैं। आपने जोशी जी ने अभी मुझे बताया कि यहाँ कितने लोगों को आपने जो है मेंबरशिप दिला दी है, ज्वाइनिंग करा दी है। डॉक्टर साहब हुसैन साहब यहाँ पर कितने लोगों को आप ज्वाइनिंग दिला चुके हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज जिस तरीके से मैंने खटीमा में देखा और ये लहर खटीमा की पूरे उत्तराखंड के अंदर फैल चुकी है, और जैसे कि एक तारीख को हमारे उत्तराखंड निर्माण के लिए अलग राज्य के लिए मांग करते हुए हमारे शहीद और जिन लोगों ने गोलियां खाई थी, जिन लोगों के कारण हमको ये उत्तराखंड मिला था, वो एक तारीख की घटना 1 सितंबर की, वो लोग उनके परिवार डिमांड कर रहे हैं आज चीज़ की कि जिस चीज़ के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था, हमारे सपनों का उत्तराखंड ये नहीं है। आम आदमी पार्टी इस उत्तराखंड के लोगों को, वो लोगों के जो सपने थे अलग राज्य के, उसका सपना न केवल पूरा करेगी बल्कि लोगों को वो चीज़ें भी मुहैया कराने जा रही है जिस तरह से दिल्ली में सब चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। मैं कह रही हूँ कि केजरीवाल जी ने दिल्ली मॉडल तैयार करा और केजरीवाल जी ने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, पलायन को रोकने के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से, जो पगडंडियों में लोग हमारे हालात ये हैं कि दूर दराज के एरिया में पगडंडियों में मरीज को लेके मिलों दूर लेके जाया करते हैं। कहना केजरीवाल जी का मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में खुला है। हम मोहल्ला क्लिनिक चाहे हम किसी तरह से भी हो, हर गांव हर मोहल्ले में वो मेडिकल की सुविधा लोगों को देंगे, शिक्षा की सुविधा लोगों को देंगे, हर तरह की सुविधा लोगों को देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रोजगार बाजार केजरीवाल जी ने शुरू करा है, जिसमें 11.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है, ये हम लोगों के लिए, ये उत्तराखंड की जनता के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारे इस प्रदेश की जनता को चाहिए कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर
और वो काम जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में दिल्ली की जनता के लिए किए वो काम उत्तराखंड की जनता के लिए हो। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल के अंदर आज भी दिल्ली में जो मॉडल कोरोना काल का केजरीवाल जी ने तैयार करा था वो अमेरिका गवर्नमेंट एडॉप्ट कर चुकी है। आज दिल्ली में कोई ये नहीं कहता कि मुझे अस्पताल में भर्ती कोई नहीं कर रहा है, बेड खाली पड़े हैं,